उज्जैन जिले के खारचोत के भाटपछलाना थाना क्षेत्र के राजपुर रायती गांव में दिनदहाड़े शातिर चोरों ने शिक्षक के घर में धावा बोलते हुए लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। दरअसल खारचोत में शातिर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला भाटपछलाना थाना क्षेत्र के राजपुर रायती गांव का है, जहां शादी में गए शिक्षक के घर को सोना देखकर चोरों ने धावा बोल दिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। भंवरलाल ने बताया कि परिवार में शादी थी, सभी बारात में गए थे। वापस घर आकर देखा तो घर का ताला और गोदरेज अलमारी के ताले टूटे मिले, जिसकी शिकायत थाने में की गई। फिलहाल पुलिस है पीड़ित की शिकायत के बाद शातिर चोरों की तलाश में जुट गई है। अच्छा, क्या घटना घटी थी आपके यहाँ? कल हम सब बारात में गए थे। फिर क्या हुआ? फिर 3 बजे आई मैं यहाँ पे, अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। मैंने सोचा मेरे दोनों बालिका आ गए अंदर, उन्होंने लगाया होगा। मैं उधर से दरवाजा खटखटाया तो कोई बोला नहीं। तो कल लेटरिंग में होगी तो फिर बैठ गई मैं, घंटे भर से बाहर बैठी रही और ये दोनों उधर से आई भैया के घर से। फिर ये आई, फिर इसके बाद मैंने कहा कि अंदर फोन है कि भैया होगा, तो भैया फोन लगाया, वो मेरा एक लड़का भी है, वो भी रास्ते में आ रहा है। इसके पापा वहीं पे थे जहाँ बारात गई ना, वहीं काय की थी महाराज सोने और नगद कितना क्या था पड़ा था आपके पास? नगद क्या मालूम, उनको मालूम होगा, पैसे तो उन्होंने रखे थे। अच्छा, पैसे किस बात के पैसे लेके आए थे अपन? पैसे तो 500-500 की एक गड्डी थी और 100-100 की दो गड्डी थी और इनके पास वो लाकर में पैसे मैंने नहीं देखे, उन्होंने रखे थे। और पेटी भी पैसे भी शादी के कार्यक्रम में सबसे पैसे आपने रखे थे। खारचोत से कहना चौधरी की रिपोर्ट।